morning everyone, how are you? I hope you are fine. So today we will start exercise 2.3 class 7. Chapter का नाम है आपका fractions and decimal. तो देखिए इसमें हमारे पास है 2.2 तक कंप्लीट हो गई थी. अब है एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. सेम हमने जो एक्सरसाइज 2.2 में किया था वैसा ही है कि 1/4 ऑफ किसका, उसमें 2 पार्ट से इसमें 3 पार्ट दे दिए कि 1/4 ऑफ किसका निकालना है, 1/4 का निकालना है. इसके 3 पार्ट दे दिए, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट. मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए, 1/4 ऑफ ए 1/4, 1/4 ऑफ 3/4, 5/4, 1/4 ऑफ 4/3. 3 पार्ट है फर्स्ट के. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमने निकालना है 1/4 ऑफ ए पार्ट. ए पार्ट मतलब हमें किसका निकालना है, 1/4. तो इसमें लिखेंगे हम किसको सोल्व कर रहे हैं, ए. ऑफ का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई. 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 ऊपर ऊपर वाले की 1/16. अब इसका देखो बी पार्ट, 1/4 ऑफ किसका निकालना है बी पार्ट में, 3/5 का. मीन्स हमें किसको करना है, 1/4 को 3/5 से मल्टीप्लाई. तो ऊपर वाले की 1/3, नीचे वाले की 4/5 कितना हो जाएगा, 3/20. अब इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में इसमें कितना निकालना है, 1/4 ऑफ किसका, 4/3 का निकालना है. मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, 4 बन जा 4 कितना आ गया, 1/3. तो ये आपके था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट आपको खुद सोल्व करना है. सेम बिल्कुल ऐसा ही है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, सिर्फ हमें क्या दे रखा था, जैसा हमने 2.2 में किया था वैसा ही हमारे पास क्वेश्चन है ये था. उसके बाद देखो इसमें लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म. मल्टीप्लाई करना है रिड्यूस लोवेस्ट फॉर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटता है, सेम टेबल में आता है, तो आपको काटना है. काट के मतलब उसको छोटी से छोटी, जितना कर सकता है उतना काटना है, उसको छोटी से छोटी फॉर्म में हमें लेके आना है. तो देखो फर्स्ट पार्ट इसका है आप 2/3 मल्टीप्लाई 2 सही 2/3 कितना है, 2/3 मल्टीप्लाई 2 सही. सबसे पहले मैं देखो क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. तो कन्वर्ट करिए इसको 2/3, इसको कन्वर्ट करेंगे 3 × 6 प्लस 2 8/3. अब आपको क्या करना है, अगर ये कट रहे हमारे आपस में काटने हैं, मीन्स लोवेस्ट फॉर्म में लाने, अगर सेम टेबल में आना तो काटने हैं. अब देखो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है ना, 8 की टेबल में 3 आता है, तो मीन्स क्या हो गया, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे नीचे वाले की. और ऐसे नहीं काटना है, मान लो आप काट दो कि 3 × 3, तो 3 से तो 3 कट गया, 2 से हमारा 4 कट गया. ऐसे नहीं काटना है, क्या काटते, ऊपर और नीचे कट करते, ऊपर ऊपर कट नहीं करते, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से आपका 16/9. अब देखिए उसके बाद सेकेंड पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे. अब मैं करवा रही हूँ उसका फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5. अब देखो ना तो इसमें आपका कोई आ रहा है, ना तो 9/5 की टेबल में आता है, ना 3 की टेबल में आपका 5 आता है. तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और नीचे नहीं. अब ये नहीं देखना है आपको 5 से 5 5, मैडम इसमें 5 भी है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 काट दो, इसमें नहीं काटना है. ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी, नीचे नीचे. सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर काटते हैं हम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी नहीं काटते आपस में. ठीक है, क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 9 × 3/5 × 5 कितना हो जाएगा, 27/25 ये हो गया. अब देखिए एक क्वेश्चन आपका मैं कराओ जिसमें कट रहा हो, आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपका कट रहा है. तो फिफ्थ पार्ट देखिए, बाकी जो बच गए आपका सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट आपको खुद सोल्व करना है. देखिए फिफ्थ पार्ट में है 1/3 × 15/8 1/3 × 15/8. अब आपको काटना, देखो 3 की टेबल में 15 आता है, सो 3 × 3 3 × 5 = 15. अब 5 की टेबल में 8 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 1 × 5/1 × 8 कितना आ गया, 5/8. तो आपको सोल्व करने के लिए क्या करना है कि हमें देखना है कि इसने कहा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करनी है लोवेस्ट फॉर्म. लोवेस्ट फॉर्म मीन्स अगर आपका नंबर कट रहा है तो हमें उसको काटना है, नहीं कट रहा है तो उसको ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले की नीचे वाले से. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है
है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इसमें भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग से. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करिए. इसमें है आपका फर्स्ट है 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से ही 1/4 से. मीन सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन को. कर दीजिए 2/5 इंटू 5/4 जा 20, 21 अपॉन में 4. अब ये कट रहा है 12 जा 2, 2 जा 4 और कट नहीं रहा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 21 अपॉन 5 इंटू 2 कितना गया 21 अपॉन में 10. कोई सेम प्रोसेस है, कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना है. उसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन सर, इसमें मैं और करवा रही हूँ आपका सेवंथ पार्ट. देखिए इसमें बाकी ये जो पार्ट बच गए वो आपको खुद सोल्व करने हैं, ठीक है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट आपको खुद सोल्व करने हैं. तो जो भी मैंने आपको सेम प्रोसेस है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सारे पार्ट आपको खुद सोल्व करके देखो तो आपके हो जाएगा. अगर नहीं हो रहे फिर भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो. तो देखिए इसमें है आपका सेवंथ पार्ट में 3/4/7 मल्टीप्लाई 3/5. तो सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, पहला काम क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में 7 3 जो 21, 21 + 4 25 / 7 इंटू 3/5. अब ये 5 की टेबल में आ रहा है 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, ऊपर बच गया 5 × 3, नीचे बच गया 7 × 1 कितना जाएगा 15/7 कितना आ गया 15/7. तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ है विच इज ग्रेटर, मतलब होता है कि बड़ा कौन सा है. देखिए फर्स्ट पार्ट में है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. मीन्स आपके पास टू पार्ट दिए हुए, एक पार्ट हमारा ये है, एक पार्ट हमारा ये है. दोनों को सोल्व करना है, सोल्व करके बताना कि कौन सा पार्ट हमारा बड़ा है. तो देखो यहाँ से सबसे पहले 2/7 ऑफ 3/4 ऑफ, तो मतलब मल्टीप्लाई 2/7 को मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 3/5 को 5/8 से. तो यहाँ से आएगा आपके पास 2 3 जा 6 अपॉन में 14 कट जाएगा. ये देखो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऊपर बचेगा 3 अपॉन में 14, और यहाँ से हमारे पास बचा है 5 से 5 कैंसिल 3 अपॉन में 8. मीन्स हमें किसमें निकालना है 3 अपॉन 14 और 3 अपॉन 8 में, हमें किसमें पता लगाना है 3 अपॉन 14 और 3 अपॉन 8 में, हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है. तो देखो जब भी हमारे पास, हमने अब तक पढ़ा है न्यूमिरेटर क्या था, न्यूमिरेटर हमारा डिफरेंट रहता था और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता था. क्या रहता था, न्यूमिरेटर तो अलग अलग होता था और डिनोमिनेटर सेम, तो उसमें हमारा कुछ नहीं था, हमें सिर्फ ये देखना था कि न्यूमिरेटर कौन सा बड़ा है, वही नंबर हमारा बड़ा रहता. लेकिन डिनोमिनेटर में आपका डिफरेंस होगा. अगर आपका न्यूमिरेटर सेम है, अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका न्यूमिरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर में बड़े वाला नंबर होगा वो नंबर आपका छोटा है, वो डिजिट आपकी छोटी है. इफ न्यूमिरेटर इज सेम देन ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. अगर आपका न्यूमिरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में बड़े वाला नंबर आपका छोटा रहेगा, बड़े वाला नंबर आपका छोटा रहेगा. इफ न्यूमिरेटर इज सेम देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर स्मॉलर. मतलब क्या होगा, जो बड़े बड़े वाला न्यूमिरेटर होगा वो छोटा होगा, बड़े वाला न्यूमिरेटर छोटा होगा. तो न्यूमिरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर ग्रेटर इज स्मॉलर, अगर बड़े वाला न्यूमिरेटर आपका छोटा रहेगा, ठीक है. तो क्या करना है इसमें आपको, देखो यहाँ से हो जाएगा, मतलब इसमें आपको क्या हो जाएगा 3/14 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऐड करेंगे. तो ये क्या हो गया, ये वाला नंबर तो आपका बड़ा हो गया और ये वाला नंबर आपका छोटा हो गया, क्योंकि 14 बड़ा तो 14 छोटा होगा, 3/8 बड़ा होगा. तो आपको सेकंड पार्ट से करके देखना है. तो ये आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के खुद सोल्व कर, बाकी के कल करेंगे. और जो भी पार्ट मैंने आपको दिए होमवर्क करने के लिए वो आप कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लेना.